खोलेंगे दुनिया के राज, राजनामा दुनिया के साथ मैं प्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और इजिप्ट के दौरे के बाद भारत वापस लौट आए हैं। रात 12:30 बजे उनका प्लेन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा। पीएम का काफिला एयरपोर्ट से बाहर निकला तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के सभी 7 भाजपा सांसदों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम एयरपोर्ट से अपने घर के लिए रवाना हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पीएम मोदी कई अहम बैठकें कर सकते हैं। पीएम मोदी 20 जून को अमेरिका पहुंचे थे। 21 जून को उन्होंने इंटरनेशनल योग दिवस पर यूएन के मुख्यालय पर करीब 135 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग किया था। 22 जून को पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। मोदी ने जो बाइडेन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। इसके बाद मोदी व्हाइट हाउस में आयोजित स्टेट डिनर में शामिल हुए। इसमें अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन समेत भारत के बिजनेसमैन शामिल थे। इस डिनर की तैयारियां जिल बाइडेन की देखरेख में हुई थी। 23 जून को मोदी हाईजेक हैंडशेक प्रोग्राम में शामिल हुए। 24 जून को पीएम मोदी इजिप्ट पहुंचे। यहां उन्होंने इजिप्ट के पीएम मेडबोली के नेतृत्व में मिस्र मंत्रिमंडल की इंडिया यूनिट के साथ एक राउंड टेबल चर्चा में भाग लिया। 25 जून को पीएम मोदी ने 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सिसी ने पीएम मोदी को इजिप्ट के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।